पालीताड़ा महातीर्थ की पावन धरा पर श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट पालीताड़ा और श्री मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ मुंबई के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा के नेतृत्व में श्री मेवाड़ भवन के प्रांगण में मूल नायक श्री वासु पूज्य भगवान आदि जिन बिंबों की अंजन सड़ा का प्रतिष्ठा और पूज्य मेवाड़ केसरी श्री हिमाचल सूरी जी गुरुमूर्ति श्री जितेंद्र सूरी जी महाराज आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न जी सुरेश्वर जी महाराज साहब शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय रविशेखर सुरेश्वर जी महाराज के सानिध्य में पालीताड़ा में भव्य वरघोड़ा यात्रा निकाली गई। सभी भक्त भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। आपको बता दें कि 4 फरवरी को श्री मेवाड़ श्वेतांबर जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहन पामेचा के नेतृत्व में मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से पालीताड़ा के लिए हजारों की संख्या में मुंबई से पधारे भक्तों ने इस भव्य अंजन सड़ा का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेकर पूरे कार्यक्रम को एक यादगार और गौरवपूर्ण कार्यक्रम बनाया, जिसमें भारी संख्या में मूर्ति पूजक समाज तेरापंथ समाज और श्री स्थानकवासी समाज की सामूहिक एकता को एकता के सूत्र में पिरोधने का काम अध्यक्ष मोहन पामेचा और उनकी पूरी टीम ने किया है। तो आइए ले चलते हैं पालीताड़ा के अंजन सड़ा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में।
थाना के अंजन सला का महोत्सव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पाली थाना मौजूद हूँ। आपको बताना चाहूँगा जो अंजन सला का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं श्री जयंत श्वेतांबर ट्रस्ट पाली थाना के पदाधिकारी अशोक बापना जी और श्रीपाल कोठारी जी। अशोक बापना जी, जो ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मुंबई से 1300 यात्री मेवाड़ एक्सप्रेस से आए हैं और इस भव्य ऐतिहासिक मंगलमय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, गुरु भक्ति का आनंद ले रहे हैं, महावीर का कि भक्ति में रंगे रंगे नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक जी पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी, हमारे पूरे मेवाड़ के लिए एक ऐसा गौरव है, 487 साल पहले यहाँ पर जो दादा का दरबार है वहाँ पर हमारे जो मेवाड़ के राजा थे उनके हाथ से यहाँ पर मंदिर की यहाँ पर जो स्थापना हुई थी, और उसके बाद आज इतने सालों के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक पल पूरे मेवाड़ के लिए आया है जब मेवाड़ के इस प्रांगण के अंदर दादा वासुपति स्वामी का एक बहुत ऐतिहासिक जिनाले का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और साथ ही में आपने भवन तो देखा ही होगा, ये मेवाड़ के लिए बहुत गौरव की बात है और आने वाली पीढ़ी सदियों तक इस तरह के इतिहास हमेशा मेवाड़ रचता रहे, इसी आशा के साथ में हमारी पूरी कार्यकारिणी कमेटी, हमारे अध्यक्ष मोहन जी पामेचा, इंद्र सिंह जी धूपिया, देवीलाल जी राठौड़ और मेरे श्रीपाल जी, तमाम मित्रों का इस प्रकार के जो साथ सहकार और जिस प्रकार से काम किया है उनके लिए इनका खूब खूब अभिनंदन भी करता हूँ। और ऐसा इतिहास आने वाला जो युग है, युवा वर्ग है, वो भी रखे, ऐसी मंगल कामना भी करता हूँ। श्री श्वेतांबर ट्रस्ट के पदाधिकारी श्रीपाल कोठारी जी हमारे साथ हैं। कोठारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम का आगाज हुआ है, ये कितने दिन कार्यक्रम चलेगा, अभी कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा खाका क्या तैयार किया गया? जी, अभी ये 7 तारीख सुबह तक चलेगा ये प्रोग्राम, और मैं कहता हूँ कि आपको पूरे पालीतना में मेवाड़ भवन एक इतिहास रचने जा रहा है जो विश्व पटल पर इसका नाम होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और अभी ये 2 दिन और बचे हैं शेष, और 7 तारीख को ध्वजा होगी और उसके बाद विदा होंगे। सर, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि विदा होंगे, अभी आज जो कार्यक्रम का आगाज हुआ है, मेवाड़ मुंबई एक्सप्रेस से जो है तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सारे पाली थाड़ा में पूरा मेवाड़ का जनसैलाब उमड़ा है गुरुदेव और महावीर भगवान के लिए और इस पूरे तीर्थकर के लिए। आपकी तरफ से युवाओं के लिए और माताओं बहनों के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है? जी, मैं पूरे मेवाड़ वासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आचार्य श्री रविशेखर जी और गुणरत्न श्री जी ने जो हमारे निश्रा प्रदान की है उसके लिए भी बहुत बहुत उनको हम अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए श्री श्वेतांबर जैन ट्रस्ट पाली थाड़ा के पदाधिकारी अशोक बापना जी, श्रीपाल कोठारी जी ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और महावीर भगवान और गुरुदेव का जो इनके जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, और जो कार्यक्रम का ऐतिहासिक एक उन्होंने कहा कि मेवाड़ पाली थाड़ा में एक इतिहास रचने जा रहा है। मेवाड़ एक्सप्रेस से मेवाड़ मुंबई के तकरीबन 1500 लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, गुरु भक्ति महावीर भगवान की पूजा अर्चना में लोग लीन हैं। प्राण प्रतिष्ठा अंजन सला का महोत्सव को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेवाड़ भवन पाली थाड़ा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंदनमल जी हमारे साथ हैं। चंदनमल जी, आप समझाना चाहेंगे ये जो भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आगाज हुआ है, कार्यक्रम कितने दिन चलेगा, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? जी सर, पूरे कार्यक्रम की अपना प्रोग्राम 9 दिन चलेगा, और इस प्रोग्राम के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहनलाल जी, श्रीपाल जी और मनीष जी और अशोक जी बापना जो हमारे महा उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री देवी, सबने जो तैयारी की और हमारे मेवाड़ के लिए चांद लगाए, उनका हमको इतना गर्व है। इसी तरह वो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ये मेवाड़ का एक नाम रोशन हो गया। और मुंबई की जो ट्रेन लाने के लिए जो हमारे संगी परिवार के 3 भाई किशन सुरेश अस्थिमल और महावीर कोठारी, जो चारों आदमी लगातार ये ट्रेन लाने का जो प्रयत्न किया, एक एक सीट के लिए, एक एक डिब्बे के लिए और रेलवे में जा करके जो उन्होंने जो मेहनत की, उनके लिए हमारा मेवाड़ संघ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो और हमारे जैसे मंडलों को आगे बढ़ाते रहो, आप रहेंगे तो हम लोग काम कर सकेंगे। और इस सर पाली थाड़ा की बात की जाए तो पाली थाड़ा में जो गुरुदेव महाराज साहब का भी जो आज लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जैसा कि भी आपने कहा कि कार्यक्रम 3 दिवसीय है, तो पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के पाली थाड़ा के लोगों ने और मेवाड़ के लोगों ने जो मेहनत किया है, क्या कहना चाहेंगे पूरे दोनों टीम को लेकर के, पाली थाना की टीम और मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ मुंबई की पूरी टीम? देखिए, हमको सानिध्य भी इतना मिला कि आज 400 दीक्षार्थी दीक्षादानी श्री आचार्य श्री गुंडत श्री हमारे साहब की इस मेवाड़ भवन में प्रतिष्ठा का जो हमको सानिध्य मिला, और हम मेवाड़ के जो हमारे हिमाचल श्री हमारे साहब समुदाय
रविशेखर जी महाराज साहब का तो उनका तो फर्ज था ही कि ये स्थान हिमाचल सुरी महाराज साहब के नाम से बना है, तो उनका फर्ज था ही। फिर भी जो हमारे मेवाड़ दीपक हितेंद्र सिंह जी महाराज साहब की ये जो स्टार्ट हुआ सूरत से हुआ, और उन्होंने जो इस मेवाड़ उनके लिए ज़मीन की आग्रह करके श्रीमान इंद्र सिंह धुपिया ने ये ज़मीन प्राप्त की, और कुछ ही दिनों में ये मुंबई आकर के जो हम लोग को जोड़ा धुपिया जी ने, हमारी पहली पहचान थी धुपिया जी की, जो हम आए हमारे घर पे और आकर के कहा चंद्रमल ये हमारे को मेवाड़ भोराड़ को जोड़ना है। उनके साथ पुखरा जी थे जो आज भगवान के घर पहुँच गए, जो पुखरा जी जो हमारे इस संरक्षक के नीचे जो काम कर रहे हैं, जो काम किया उनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उनका जो साथ रहा बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद हम लोग मुंबई में घूमे, मुंबई से हम लोग नौ ट्रस्टी हमारे बनाए पहले फिर गाड़ी आगे चली तो फिर नंबर लगा ट्रस्टियों का, अभी भी वेटिंग में चल रहे हैं ट्रस्टी बनने के लिए, मगर हमारी फुल हैं। जो भी काम हुआ ये हमारे ट्रस्ट महोदय का एक दूध में ऐसी शक्कर पड़ी हुई है वो कभी नहीं निकल सकती है, ऐसी अच्छी टीम है हमारी। सर एक आखिरी सवाल, श्री मेवाड़ जैन जो ट्रस्ट है पालीथाड़ा का, इसके अध्यक्ष मोहन जी पामेचा है, मूर्ति पूजक संघ मेवाड़ मुंबई के, और चेयरमैन आज उनके नेतृत्व में जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरे मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ की टीम के लिए? जी मोहन जी के लिए क्या कहें, जितनी कहें हर आम दाम ठाम तीनों काम जो उन्होंने किए हैं, इतनी भागम दौड़, कम से कम इनके पहले गाँव में मंदार की प्रतिष्ठा हुई, उनकी पूरी तैयारी करके फिर यहाँ जुट गए हैं, और जो जुटे इस तरह से जुटे हैं दिन रात एक करके इस प्रतिष्ठा के लिए चार चांद लगाए हैं, उनका तो हम लोग कभी साथ नहीं भूल सकते हैं। यही इसी तरह वो उनकी पूरी टीम, चार तो यहाँ थे ही, उसके साथ में किशन लाल जो खड़े हैं ये भी उनकी टीम में हैं, उन्होंने जो ये पत्रिका छपाना ये करना सारा ही काम उनके नेतृत्व में हुआ, उसके लिए उनका हमका बहुत बहुत जितना कहें उनका उनके लिए हमारे लिए आभार मानता हूँ, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनको इसी तरह से अच्छे काम में आगे बढ़ाते रहें और हमारा भी साथ लें, धन्यवाद। सर आपसे बातचीत करने के लिए, कहते हैं कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो जो पालीथाड़ा और मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ मुंबई का जो यहाँ पे सामंजस्य हुआ है, कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जितना योगदान श्वेतांबर ट्रस्ट पालीथाड़ा का है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ मुंबई का है। इस वक्त हमारे साथ किशन जी कोठारी मौजूद हैं, खास मेहमान, जो कि मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ के महामंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे सर भव्य कार्यक्रम को लेकर के? आपका भी यहाँ पे आगमन हुआ है, आपकी पूरी टीम है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें श्रीमान मोहनलाल जी ने हमारे तीनों संघ, तेरापन समाज, 22 संप्रदाय और मूर्ति संघ, तीनों को जोड़ के इन्होंने एक माला पिरोई और वो मेवाड़ भवन जो खड़ा किया, उसमें श्रीमान इंद्र सिंह जी धुपिया का विशेष योगदान रहा। सर्वप्रथम उन्होंने जितेंद्र सूरी जी का सपना था कि इंद्र सिंह जी मेवाड़ का कुछ पालीतना में होना चाहिए भवन, तो इंद्र सिंह ने उनका सपना साकार करके उन्होंने सभी बम्बई वासियों को सभी को उन्होंने जोड़ा। उसमें पहले मेवाड़ भवन का उद्घाटन हो गया, अब आज जो नवनिर्माण जो मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, बड़ा ही भव्य मंदिर यहाँ निर्माण हुआ, उसकी प्रतिष्ठा मेवाड़ संघ, मेवाड़ जैन संघ की तरफ से की जा रही है, और हमारे श्रीमान मोहनलाल जी अध्यक्ष महोदय मेवाड़ मूर्ति पूजक बम्बई, जिन्होंने वहाँ भी एक भवन, नव निर्मित भवन खड़ा किया, और उसका वहाँ मैं महामंत्री हूँ, बम्बई में भी उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा और भवन का निर्माण किया। तो मैं और हमारे यहाँ जो गुरुदेव गुंडर सूरी जी, जो जितेंद्र सूरी जी के भाई, सांसारिक भाई है, उन्होंने 400 दीक्षा, आज उनकी ये अप्रैल में 400 दीक्षा पूरी हो जाएगी, दीक्षा दानेश्वरी के नाम से जो प्रख्यात है, आज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग उनके सानिध्य में दीक्षा ले रहे हैं। आज भी हमारी कनाडा की बहन आई, जो वहाँ से कनाडा में पली पोसी, वहाँ शिक्षा ग्रहण की, और ऐसी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर उनको ये साधुपना अच्छा लगा, और उनके सानिध्य में आज जो वो दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो बंधुओं, हमारे गुरुदेव का इतना प्रभाव है, श्रीमान रविशेखर सूरी जी जो हिमाचल सूरी जी के शिष्य रत्न है, उनकी खूब यहाँ मेहनत रही और उनकी पूरा प्रोग्राम उनके सानिध्य में हो रहा है। तो बंधुओं, ऐसे गुरुदेव जो हमारे को मिले हैं, तो उसे हमारे समुदाय में चार चांद लगे हैं, हमारे संघ में चार चांद लगे हैं, और हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इसी तरह हमारे यहाँ आयोजन होते रहे और आयोजन होते रहें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे जो है महामंत्री जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुरुदेव का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है एक ऐतिहासिक होगा। कार्यक्रम की बात करें तो पालीथाड़ा के कार्यक्रम में विशेष रूप से मेवाड़ वासियों का विशेष सहयोग और योगदान है। पालीथाड़ा मेवाड़ भवन के ट्रस्टी मगन लाल जी कोठारी हमारे साथ हैं, एक वरिष्ठ
समाज सेवक मंगला जी कोठारी साहब, आप समझाने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा कार्यक्रम जो है पाली थाड़ा में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे एक भक्त होने के नाते महावीर के? यहाँ ऐतिहासिक प्रोग्राम चल रहा है और जो आज वासुपूज्य भगवान का मान लो प्रदीक्षा महोत्सव चल रहा है, आज पूरी मेवाट इतना जीव जान दे के मान लो ये प्रतिष्ठा के अंदर भोग दे रहे हैं और इतना रविशेखर सूरी जी महाराज साहब के निचरा में आचार्य भगवंत श्री हिमासुल सूरी के शिष्य अपने रविशेखर सूरी जी महाराज साहब ललित शेखर पन्यास परवर और जो प्रोग्राम आज हम लोग पूरा ट्रेन लेके मुंबई से आ रहे हैं, आज उतरे हैं और ये प्रोग्राम यहाँ मेवाड़ी जैसा मेवाड़ भवन है अपना पालीतने का, जैसे एक जमाने में 16वां सदी में मान लो कर्मासा सेठ ने मेवाड़ का यहाँ 16वां उद्धार कराया अपने आदिनाथ भगवान का, और सेला मेवाड़ भवन यहाँ भी मेवाड़ वासियों ने बनाया है और इतना आनंद मंगल चल रहा है, कार्यक्रम बहुत जोरों का चल रहा है और लोगों को इतना दिल खुश हो है कि गाड़ी के अपने रेल तो लेके आए लेकिन खुद की गाड़ी ले लेके आ रहे हैं और इस पूरा प्रोग्राम को साकार बनाने में एकदम जुड़ गए हैं और आनंद मंगल से गुरु भगवंत और देव गुरु की कृपा से काम आनंद मंगल में चल रहा है। मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा हमारे साथ हैं। मोहन सर, आपसे जानना चाहेंगे जो भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हो रहा है, तीन जो आज का कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के आपने काफ़ी मेहनत की है, पूरे मेवाड़ तीनों जो है संप्रदाय के लोगों को आपने इकट्ठा किया है, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे कार्यक्रम? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शाश्वत तीर्थ पालीतना की इस भूमि पर मेवाड़ वालों का सपना था हमारी खुद की भवन होवे, हमारा खुद का मंदिर होवे। आज से करीबन 486 वर्ष पूर्व मेवाड़ के ही चित्तौड़ के कर्माशाह ने जीर्णोद्वार करवाया और 16वां उद्धारक के रूप में फेमस प्रसिद्ध हुआ। उस परंपरा को मेवाड़ वालों ने ये वापस पुनर्जीवित कर आज एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाया इस भूमि पर और इसमें सारे मेवाड़ वाले जुड़े हुए हैं और मुझे गर्व है कि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के पश्चात मुझे एक अध्यक्ष का मौका मिला और मुझे कार्य करने का मौका मेरे ट्रस्टियों ने दिया, मेरे सभी दोस्तों ने दिया और मेरे सभी ट्रस्टी और दोस्त मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से समर्पित होकर इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग किया। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेवाड़ वासियों द्वारा एक स्पेशल ट्रेन मुंबई से आई, वो भी एक इतिहास है कि आज शादी ब्याह के मौके पर भी पूरी ट्रेन ही आई तो लोगों की भावना इस भवन के प्रति, इस तीर्थ के प्रति, इस मंदिर के प्रति, इस अंजन प्लास सलाका के प्रति कितनी जुड़ी हुई है यह मुझे महसूस हो रहा है और हमारे ट्रस्ट मंडल को पूरा गर्व है कि ऐसा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और अंजन सलाका यहाँ हो रही है जिसमें सात सात आचार्य भगवंत का हमें सानिध्य मिला। दीक्षा दानेश्वरी गुणरत्न श्री सूरज जी महाराज साहब एंड शासन प्रभावक रत्नाकर रविशेखर सूरज महाराज साहब, इन दोनों का हमें पावन सानिध्य मिला और वैसे दो महापुरुष जिनके तो हम ऋण चुका ही नहीं सकते हैं, मेवाड़ के श्री नाकोड़ा तीर्थो द्वारक आचार्य भगवान धीमाचल श्री सूरज जी महाराजा एवं मेवाड़ देशो द्वारक आचार्य भगवान जितेंद्र श्री सूरज जी महाराजा, जिनके गुण मेवाड़वासी कभी नहीं चुका सकते हैं और उनके ही दिव्य आशीष से ये सभी हुआ है। आज सूरत, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सभी जगह जगह से यहाँ के ट्रस्टी है और सभी एक भाइयों की तरह मिल कर के इसको इस ट्रस्ट को चला रहे हैं और इतना भव्य आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं, आप भी इसके गवाह है, एक साक्षी है। यहाँ पर तेरापंथी स्थानकवासी मूर्ति पूजक सभी लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे पूरे ट्रस्ट मंडल के लिए गर्व की बात है। सवाल करना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अपनी जन्मभूमि झालो की मंदार में भी भवन का निर्माण कराया, पालीथाड़ा में भी निर्माण कराया, तो कहीं ना कहीं मोहन जी पामेचा का नाम एक मतलब भवन सामाजिक भवन निर्माणकर्ता के रूप में दिनों दिन होता जा रहा है, इसकी प्रेरणा और इसके जो सर आपको मतलब जो प्रेरणा मिलती है, महाराज साहब का आशीर्वाद मिलता है, ये सब पूरी जिम्मेदारी को लेकर के किस प्रकार से आप निर्वहन करते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर? जी मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे का समाज ने, मेरे मेवाड़ समाज ने, मूर्ति पूजक समाज ने मुझे कार्य करने का मौका दिया और उसे मैं मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा पूरा का पूरा श्रेय
उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और मेरे पर मेरे गुरुदेव आचार्य हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब का बहुत ही आशीष है। 1983 में जब हमारे गांव में प्रतिष्ठा हुई तभी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि समाज के कार्य करते रहो, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी मैं समाज के कार्य समझता नहीं था, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो आशीर्वाद क्या था मेरे लिए, बहुत बड़ी बात हो गई। और दूसरी बात है मेरे गाँव के लोग, मेरे गाँव के लोग मेरे से इस तरह जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ ये करना है तो मेरे गाँव वाले मेरे लिए तत्पर है हमेशा के लिए। और इसी तरह ये पूरे ट्रस्ट आज पूरे मेवाड़ के लोग जुड़े हुए हैं, सभी ट्रस्टों ने मेरे पे एक विश्वास जताया और उसको मैंने पूर्ण करने की पूरी कोशिश की। और आगे भी मुझे समाज को जवाबदारी देगा, नैतिक जवाबदारी, नैतिकता के नाते पे मैं काम करूँगा। और मेरे को मेरे दोस्तों के ऊपर तो पूरा विश्वास है कि वो लोग मेरे साथ में मिल कर के काम करते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है कि ऐसे ऐसे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल, झालोकी मंदार में भवन का निर्माण, पाली थाना में मेवाड़ भवन का निर्माण, आगे कुछ क्या आपके नेतृत्व में मेवाड़ वासियों को, समाज को मिलने वाला? जी, झालोकी मंदार में मेवाड़ केसरी भवन हुआ, मुंबई में मेवाड़ केसरी भवन हुआ, पाली थाना में मेवाड़ भवन हुआ, पाली थाना में ऐतिहासिक मंदिर हुआ। आगे शिक्षा और चिकित्सा के बारे में हमारी टीम सोच रही है और जिस तरह टीम मुझे गाइडलाइन देगी उस तरह से मैं उनके साथ में मिलकर काम करूंगा। हमारा अंदर की भावना ये है कि मुंबई जो हमारी कर्म भूमि है, शिक्षा और चिकित्सा दोनों में से एक सब्जेक्ट में जो भी हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। बस सर, हमसे बातचीत करने के लिए, कहते हैं मानव सेवा, माधव सेवा और धर्म, सामाजिक सेवा के कार्यों में यदि मिसाल कायम किया है तो मोहन जी पामेचा ने, जैसा कि इन्होंने बताया साक्षात्कार के दौरान कि तीन तीन भवन निर्माण करने के बाद शिक्षा और चिकित्सा जो देश की समाज की एक अहम भूमिका होती है समाज के निर्माण में, और विद्यालय ही वह कारखाना है जहां राष्ट्र का भविष्य बनता है, और स्वास्थ्य वो धन होता है जो मानव के लिए एक बेहतर सुविधा मुहैया कराता है कार्य की ऊर्जा देने के लिए। तो ऐसे सेवा, शिक्षा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मोहन जी पामेचा ने आज घोषणा की है कि आने वाले समय में मुंबई के लिए जो इनकी कर्मभूमि है, तो जन्मभूमि इनकी झालोकी मंदार है, तो कर्मभूमि में वो शिक्षा और चिकित्सा के सेवा के क्षेत्र में कार्य जारी रखेंगे। मेवाड़ भवन में जो ट्रस्ट मंडल है जिसमें अध्यक्ष मोहन जी पामेचा, महामंत्री देवीलाल जी राठौड़ एवं अन्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा साथ में जो ट्रस्ट मंडल है उनका जो अभी तक जो संयोजन है वो दूध में शक्कर की भांति है। और आज जो हम लोगों को कहते हुए ऐसा हर्ष होता है कि हमारा मेवाड़ भवन एक ट्रस्ट के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा एक ऐसा है धरोहर है कि जहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है, हमारे यहाँ पे हर काम सर्वसम्मति से होता है। और हमारी जो प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है, 7 फरवरी को प्रतिष्ठा है और 6 फरवरी को अंजन शाला का है, उसमें मेवा पूरे मेवाड़ का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं पूरे मेवाड़ वासियों का ऋणी हूँ। और मेरी ये भावना है कि जिस तरह से मेवाड़ वालों का अभी तक सहयोग मिल रहा है, भविष्य में भी ऐसा सहयोग मिलता रहे। साथ में महाराजा और महारानी के रूप में जिन लोगों, जिस परिवार ने लाभ लिया है, खेमराज जी कोठारी परिवार, उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने माता पिता के रूप में रोशन जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने एक अच्छा सा पात्र निभाया है और इस प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने में एक अपूर्व सहयोग दिया है। और आगे मेरी एक ही भावना है कि हमारा जो ट्रस्ट मंडल है उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहे और मेवाड़ का आन बान और शान बनी रहे, क्योंकि भविष्य में पुराने समय में जो अभी 16वां जीर्णोद्धार हुआ वो भी यहाँ कर्माशाप ने करवाया जो हमारे मेवाड़ के ही थे, और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम आशीर्वाद दादा से चाहते हैं। श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट पाली थाड़ा की बात करें तो यहाँ से जो वरघोड़ा यात्रा निकाली गई थी, आपको बताना चाहेंगे कि वरघोड़ा यात्रा का समापन यहाँ पे होने जा रहा है जिसमें सारे भक्त, महावीर, गुरुजन, जितने भी अनुयायी हैं जैन धर्म के, जितने भी भक्त हैं, उन्होंने भक्ति का एक अद्भुत परिचय देते हुए वरघोड़ा यात्रा को सफल बनाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कुछ देर पहले यहाँ से यात्रा जो निकाली गई थी, यहाँ पे यात्रा का समापन भी इसी उमंग, उत्साह और भक्तिमय के वातावरण में किया जा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो झांकी यहाँ से निकली थी
बात करें श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट पाड़ीथाड़ा की, तो यहाँ से जो झांकी निकाली गई थी, झांकी की जो शुरुआत हुई थी तकरीबन 4 किलोमीटर तक की यात्रा रही, और यात्रा के बाद जो भी भक्तगण है यहाँ पे उसी उत्साह उसी उमंग के साथ, जैसे कि इंद्रदेव का यहाँ पे जिस प्रकार से यात्रा के दौरान इंद्रदेव सभी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी प्रकार जो है यात्रा पूरी करके सारे जो है देवी देवताओं का जो प्रतिकार है प्रतिमूर्ति है सारे लोग आ रहे हैं। इस पाड़ीथाड़ा की बात करें तो श्री मेवाड़ मठ पूजक संघ मुंबई के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा ने इसका कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, और इन्होंने जो है पाड़ीथाड़ा में जो है श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट मेवाड़ भवन का निर्माण कराया है, और इन्होंने मुंबई की बात करें तो मुंबई मेवाड़ एक्सप्रेस से तकरीबन 1400 भक्त जो है यहाँ पे आए हैं, और पूरी अद्भुतता जो है भक्ति का परिचय देते हुए यहाँ पे यात्रा की समापन हो रही है। हमारे साथ जो है आपसे जानना चाहेंगे कोठारी साहब, क्या कहना चाहेंगे यात्रा की, जो वरघोड़ा यात्रा निकाली गई थी यात्रा के समापन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से लोगों ने अभी भी भक्ति का उत्साह बना हुआ है? हाथी रथ घोड़े से भव्य वरघोड़ा आज अभी यहाँ समापन हो रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से सब नवयुक्त मंडल और जिलवाड़ा मंडल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और बहुत मजा आया, आनंद हो गया है जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी यात्रा निकली, अच्छा वरघोड़ा हुआ और बहुत समझ आया। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? बहुत जोरदार हुआ, बहुत आनंद के साथ नवयुक्त मंडल ने काम किया, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रा को लेकर के अभी भी उत्साह बना हुआ है, सारे भक्त जो है अपनी यात्राएं पूरी करके श्री श्वेतांबर जैन ट्रस्ट पाड़ीथाड़ा में वापस जो है इनका आगमन हुआ है। तो हमारे साथ चर्चा पे इसमें मौजूद हैं भक्त मुकेश जी पामेचा, क्या कहना चाहेंगे वरघोड़ा यात्रा का? शुरुआत हुई है वरघोड़ा की, इससे भी कल भव्य उद्घाटन होगा और वासुपुजी दादा भगवान की कल ध्वजा चढ़ाई जाएगी, हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त पधारे, और अभी आपने पूरा वरघोड़ा देखा कितना उत्साह है, कितनी अलग अलग रंगोली अलग अलग प्रांत से लोग बैंड बाजे आए हुए, और काफ़ी संख्या में यहाँ जैन समाज के लोग पधारे, ये हमारे पाली मेवाड़ भवन के लिए एक सौभाग्य की बात है। विजय संघ के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा ने भारी संख्या में जो तीर्थयात्री लाए हैं भक्त लाए हैं उनकी पूरी यात्रा का नेतृत्व करने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोहन जी ने काफ़ी मेहनत की, जालों की मंदार से लेकर मुंबई से लेकर पालीवाना, तो जो एक इतिहास है, चाहे एक आज का दिन और एक कल का दिन मेवाड़ के लिए एक इतिहास से बहुत बड़ा, और इससे आगे ऐतिहासिक हम अभी प्रोग्राम करेंगे, कल अंजनशाला का प्रतिष्ठा है और कल और ज़्यादा संख्या में लोग पधारेंगे यहाँ पे, और भव्य है कि यहाँ पे कल उद्घाटन होगा वासुपुजी स्वामी भगवान का। वासुपुजी स्वामी भगवान की जय। वरघोड़ा यात्रा का समापन किया जा रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, भक्ति का परिचय दिया है, हमारे साथ तमाम बहने हैं, हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पर वरघोड़ा यात्रा का समापन किया जा रहा है क्या कहना चाहेंगी आप जी? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, सबकी व्यवस्था इतनी अच्छी लगी कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने घर पर ही है, बहुत 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 बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, हम सब बहुत खुश है, जय जिनेन्द्र और जय पाड़ीथाड़ा, पाड़ीथाड़ा की सब जय, और सबको बहुत बहुत अनुमोदना, थैंक यू। और भी महिला है, आप क्या कहना? बहुत अच्छा वरघोड़ा निकला, बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत एंजॉय किया। जय महावीर। देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में जो है अभी भी उत्साह बना हुआ है। नैवेद मंडल मुंबई के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके ओर रुख करते हैं, जानते हैं जो पाड़ीथाड़ा में भव्य और ऐतिहासिक यात्रा निकली है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जी? क्या कहना चाहेंगे महावीर कोठारी जी? आप युवा हैं, भारी संख्या में मेवाड़ के श्री युवक मंडल मुंबई के पदाधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, आज जो यात्रा निकाली गई क्या कहना? यात्रा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यात्रा बहुत ही भव्य थी, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रोत्साहन दिया, पूरा काम किया, जो भी काम किया पूरे मेवाड़ के श्री नवयुक्त मंडल को इसका श्रेय जाता है। जो प्रतिष्ठा का आधार स्तंभ बोल सकते हो तो ये मेरे जो नवयुक्त मंडल की जो टीम है ये मेरी प्रतिष्ठा की आधार स्तंभ है, बाकी इसके अलावा ये प्रतिष्ठा अधूरी है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जो ट्रस्ट मंडल है पाड़ीथाड़ा का उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार हमारे तरफ से कि आप लोगों ने हमको सेवा का मौका दिया, और बार बार हम सेवा के लिए आपके साथ में तत्पर है, उसी के साथ में मैं मेरा हर्ष उल्लास जाहिर करता हूं और मेवाड़ के श्री नवयुक्त मंडल को और तमाम ट्रस्ट मंडल को धन्यवाद देता हूँ, इसी के साथ में धन्यवाद। मेवाड़ मठ पूजक नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ अमृत चंद कोठारी हैं। अमृत जी क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, युवा मंडल के अध्यक्ष हैं,
पाली थाला में जो जन समलाभ उमड़ा है वरघोड़ा यात्रा का समापन किया जा रहा है, भारी संख्या में युवाओं का भी प्रसाद मिला है, क्या कहना चाहेंगे युवा भक्त होने के नाते जी? युवा एक प्रेरणा है, युवा एक प्रेरणा है सभी मेवाड़ गाँव वासियों के लिए। उन्होंने जो उत्साह दिखाया है मेवाड़ भवन पालीतना एक्सप्रेस मेवाड़ एक्सप्रेस से लेकर आज वरघोड़ा में जो उनका उत्साह देखा है, सभी युवकों को बहुत 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 अनुमोदना। श्री मेवाड़ जन स्वतंबर ट्रस्ट पालीताड़ा और मेवाड़ मूर्ति पूजक संघ मुंबई के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा हमारे साथ हैं। मोहन जी, आपने जो भव्य और ऐतिहासिक अंजन सड़क प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफल किया है, मेवाड़ एक्सप्रेस से मुंबई से तकरीबन 1400 यात्री आकर के इस तीर्थयात्रा का लाभ लिए हैं, आपकी छवि मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक धर्म प्रेमी के रूप में उभरी है, क्या कहना चाहेंगे सर इस सफल कार्यक्रम को लेकर जी? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सफल कार्यक्रम और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे मेवाड़ का है और मेवाड़ ट्रस्ट मंडल द्वारा आयोजित किया गया है और मुझे गर्व है कि मुझे मेवाड़ ट्रस्ट ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मैं इस आयोजन को सफल बनाने में मेरे दोस्तों मेरे कार्यकर्ताओं का साथ मिला, उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आज तकरीबन आप देख रहे हो इस शाश्वत तीर्थ भूमि में एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है जिसमें करीबन 2 से 3 हज़ार पब्लिक यहाँ पर है और मेवाड़ एक्सप्रेस जो मुंबई से आई वो सभी हमारे कार्यकर्ताओं की एक देन है, कार्यकर्ताओं का सफल आयोजन है। मैं सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, मेरे ट्रस्ट मंडल को देना चाहूँगा, पूरे मेवाड़ को देना चाहूँगा और ऐसे आयोजन हमारे मेवाड़ में होते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ में जय जिनेन्द्र। सर हमसे बातचीत करने के लिए थे मोहन जी पामेचा जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो है सफल कार्यक्रम को लेकर वो हर पर हर क्षण समाज की सेवा करते रहेंगे। बार राजस्थान की खास पेशकश धार्मिक जगत में के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं गुजरात के पाली थाला में मौजूद हूँ, यहाँ पर अंजन सलाका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा तस्वीरों को दिखाए किस प्रकार से यहाँ पे श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट पाड़ी थाड़ा के कार्यकर्ता पदाधिकारी और भक्तगण गुरुदेव के भक्ति में अपने आराध्यों की भक्ति में नाच रहे हैं गा रहे हैं और भक्ति का जो है पूरा वातावरण बना हुआ है, अपने आराध्यों की आराधना कर रहे हैं। किस प्रकार से पाड़ी थाड़ा की बात करें तो जैन धर्म का जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कहा जाता है, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ एक्सप्रेस से जो है तकरीबन मुंबई के जो है श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के 1300 पदाधिकारी चल के आए थे इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम को बनाने के लिए। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और लोग जो है अपने जो है महान तीर्थकर की जो है दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। युवक मंडल के अध्यक्ष अमृत लाल जी कोठारी हमारे साथ हैं। अमृत लाल जी, आपकी जो टीम मुंबई से रवाना हुई थी महातीर्थ पाड़ी थाना में, सारे नयुवकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, यात्रियों की पूरी तन मन धन से उन्होंने ख्याल रखा, केयर टेकर के रूप में काम किया, पूरी टीम मुंबई पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं श्री संघ जिनके अध्यक्ष महोदय मोहन जी पामेचा, अशोक जी बाफना, श्रीपाल जी, मनीष जी, इनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मंडल को श्री मेवाड़ केसरी नवयुग मंडल को सेवा प्रदान करने का अवसर दिया। हमने पूरी टीम के साथ पूरे संघ का पूरे ध्यान से ख्याल रखने का प्रयत्न किया है और श्री संघ से यही उम्मीद है कि ऐसे ही मौके वो हमको देते रहे ताकि हम हमारी सेवा गुरु भगवंतों और मंडल को प्रदान कर सके। और मैं प्रातःकाल का और सारे मीडियाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा जिन्होंने पूरी कवरेज राजस्थान दी, मेवाड़ मारो राजस्थान, प्रातःकाल और भी बहुत सारे गुजरात से आए हुए पत्रकार भी थे, सब ने अपना पूरा योगदान देके हुए इसको पूरा कवरेज किया और इस चतुर्मास को इस ऐतिहासिक मंदिर के प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नवयुवक मंडल है कहते हैं युवा शक्ति कैसी शक्ति है जो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, और आपका जो मंडल जिस प्रकार से सेवा दिया है पाड़ी थाड़ा के प्रांगण में मुंबई से लेकर पाड़ी थाड़ा तक, इसमें जो है युवाओं में का जो कार्य की सराहना हो रही है, इससे दूसरे भी युवाओं को दूसरे भी संघ को एक प्रेरणा मिलेगी। और आपसे जानना चाहेंगे आपके संघ का निर्माण कब हुआ है और संघ का उद्देश्य क्या है जी? मंडल की नींव तो 2 साल पहले से ही रखी गई थी, इसके ग्राउंड लेवल पे हम सभी गांव के मेवाड़ के 52 गांव में जा जाकर हर युवकों को एकत्रित करके सम्मिलित करके उनको समाज के कार्य में शामिल करना ताकि उनमें मेल मिलाप बढ़े और भाईचारा बढ़े, इसके लिए हम 2 साल से प्रयत्न कर रहे थे। 26 जनवरी
2018 को इसका शपथ विधि समारोह रखा गया मेवाड़ भवन भांडुप में, और उसी समय इसका गठन किया गया। और सभी नवयुवक मंडल ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव और इच्छुक थे, समाज संघ समाज के काम में आने के लिए बहुत तात्पर्य भी थे, बस उनको एक आवश्यकता थी मार्गदर्शन की। वो मार्गदर्शन की आवश्यकता हमको मोहन जी पामेचा, अशोक जी बाफना ने, इन्होंने ये बेड़ा उठाया और मार्गदर्शन करने का हमारे जिम्मा उठाया, और उनकी मार्गदर्शन की में हम इस मंडल को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ऐसी भगवान से मेरी शुभकामना है। अमृतलाल जी, बात करते हैं युवाओं की, किसी भी कार्य की सफलता के लिए जो हमारा जो सेनापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका जब नेतृत्व मिलता है तो युवाओं में एक नया ऊर्जा उत्साह आता है। तो आपकी जो पूरी टीम है, पूरी टीम के लिए, युवक मंडल की जो टीम है उसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या शुभकामना है, जिस प्रकार से पूरी टीम ने सेवा भावना का कार्य किया? जी, ये तो अभी शुरुआत है। मैं मेरी सारी टीम से एक ही अनुरोध करूँगा कि हमें धरती पर रहकर काम करना है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है, ग्राउंड लेवल से विकास करते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, हम ग्राउंड लेवल से और ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, ये मेरी सभी नवयुवक के मंडलों से निवेदन है। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। कहते हैं कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो कहीं ना कहीं कहावत, अमृतलाल जी जैसे युवा नवयुवक मंडल के अध्यक्ष, युवाओं की जो ऊर्जा के स्रोत हैं, नवयुवक मंडल का जो उन्होंने गठन किया है, समर्पण त्याग और सेवा भावना की, इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने मेवाड़ एक्सप्रेस में के जरिए जो पूरे मंडल ने सहयोग किया है पाली थाड़ा के सफल कार्यक्रम को लेकर, कहीं न कहीं योगदान मेवाड़ के इतिहास में नवयुवक मंडल की पूरी टीम को यादगार और सुनहरे पल में लिखा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन जो मुंबई से पाली थाड़ा के लिए रवाना हुई थी, महातीर्थाधिराज पाली थाड़ा के यात्रीगण इस ट्रेन से गए थे। हमारे साथ किशन जी सिंघवी हैं। किशन जी, आपके नेतृत्व में तमाम लोग इस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना की गई थी और सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम का लाभ लेकर के सभी पुण्यात्मा इस समय ट्रेन में मौजूद हैं। ट्रेन जो है मुंबई पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहेंगे तीर्थकर यात्रियों के लिए? जी जय जिनेंद्र, हमें बड़े गौरव के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हम 4 तारीख को जब मुंबई से रवाना हुए और जो उल्लास हमने कार्यकर्ताओं यात्रियों में देखा, वो मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक पल था। और उसी उत्साह और आनंद के साथ हम पालीतना गए 1500 यात्रियों को लेकर। और वैसे तो प्रोग्राम 30 तारीख से चालू हो गया था, लेकिन हम 5 तारीख से 3 दिवसीय जो प्रोग्राम, अन्य प्रोग्राम जो हमने सारे यात्रियों ने बड़े उत्साह के साथ उत्साह के सम्मिलित होकर जो आनंद लिया, वो मेरे जिंदगी का एक ऐतिहासिक पल है। किशन जी, यात्रा की बात की जाए तो यात्रा जो है सफल, सुखद और मंगलमय रही है। हमने कई यात्रियों से बातचीत की, सारे यात्री, सारे पुण्यात्मा इस पूरे कार्यक्रम की भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये सिलसिला अनवरत चलता रहे, भक्त भारी संख्या में पाली थाड़ा का पूर्ण प्रताप लेते रहें, आगे आपकी तरफ से, संघ की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से क्या मैसेज है ताकि यात्री और पुण्यात्मा जो है इस प्रकार का पुण्य अर्जित करते रहें? महावीर महाभगवान की तपस्या आराधना में लीन रहे और अपने जीवन को धन धान करते रहें। जी, वैसे तो एक मैं अधना कार्य करता हूँ, मुझे इतना बोलने का नहीं है, लेकिन मैं अध्यक्ष जी के नाते कहना चाहता हूँ कि जिनका नेतृत्व इस प्रकार रहा और जो संघ के साथ समर्पण और जो हमें, हम जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने साथ में रखकर जो हमें मान दिया, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मूर्तिपति संघ भी उनके ऊपर नाज करता है, और आगे भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि यही कार्यकारिणी, ये संघ जो यहाँ पालीतना पधारा था, वो तीनों समुदाय के सभी गणमान्य लोग थे, सभी यात्री थे, स्थानकवासी तेरापंथ समाज की भी इस प्रोग्राम में मुख्य भूमिका रही। और ये एक ऐसा मैसेज गया तीनों समाज में, एक एक एकता के सूत्र में बन गया। और आगे यहाँ पे आने वाले दिनों में सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर इस मेवाड़ भवन की
धरोहर की वजह से यहाँ बढ़ चढ़कर आएंगे और तीर्थाधिराज आदिनाथ दादा के दर्शन करेंगे और उसका पुण्यार्जन मिलेगा, उससे हमें बहुत गर्व की अनुभूति होगी। यही मेरी सभी यात्रियों से, सभी यात्रियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा इतना इन्होंने सहयोग दिया। सभी कार्यकर्ताओं का, महिला मंडल का और जीलवाड़ा संघ का, मजेरा संघ का, मदार संघ का, सभी संघों का भी मैं दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना सुचारू और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हर कार्य में हाथ बढ़ाया, जिससे ये संघ इतना निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संघ को ऐसी शक्ति दे कि आगे भी हमें ऐसे कार्य करने का मौका मिले और हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में ये ऐसे धर्म के कार्य करते रहें। किशन जी, आपसे चलते चलते आखिरी सवाल करना चाहेंगे, ये जितने भी यात्री भक्तगण महावीर के गए थे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पाली थाड़ा में जो भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वरघोड़ा यात्रा हुई, ये यात्री ने, जितने भक्त यात्रीगण थे, इन्होंने बहुत ही मतलब एक अद्भुत शालीनता और भक्त का परिचय दिया है। तो जितने भक्तगण हैं, ये इनमें जो है महावीर के आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुए हैं, गुरुदेव का सानिध्य मिला है, संघ की तरफ से और आगामी ऐसा क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं ताकि मेवाड़ एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई है पाली थाना में, ये सिलसिला अनवरत चलता रहे, आगामी कार्यक्रम को लेकर के अगले साल जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए अग्रिम शुभकामना संदेश कुछ आपकी तरफ से देना चाहेंगे आप? हमें आपको एक बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे आचार्य श्री रविशेखर विजय जी महाराज साहब अगले चातुर्मास में मेवाड़ की तरफ उग्र विहार करते हुए मेवाड़ की धरोहर पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं। और ये लाभ रिचर्ड संघ को मिला है और ये चार महीने के चातुर्मास में हम आशा ही नहीं बल्कि विश्वास रखते हैं कि ये पूरा संघ, पूरा मूर्तिपूजक संघ, तीनों समाज ये जिलवा रिचर्ड संघ के अंदर सम्मिलित होके मेवाड़ में एक नया अध्याय स्थापित करेंगे। जो चातुर्मास होने वाला है रिचर्ड गांव में, जो हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ा गांव है, वहां पे भी तेरापन समाज और मूर्तिपूजक समाज मिलकर ये चातुर्मास करवा रहा है। और इस अगली कड़ी में हम बढ़ रहे हैं रिचेड़ चातुर्मास की तरह, ये हम आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे किशन जी सिंघवी साहब, जो कि पूरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और भक्त का परिचय देते हुए मेवाड़ एक्सप्रेस को में जितने भी यात्री थे, भक्तगढ़ थे, उनकी पूरी जो है देख रेख करते हुए यात्रा को सफल बनाया है। साथ साथ पूरी टीम की बात की जाए तो जो मेवाड़ मूर्तिपूजक संघ के अध्यक्ष मोहन जी पामेचा थे, पूरी उनकी टीम ने अंजन शाला का प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो भी पाली थाड़ा में इतिहास रचा है, जो भी पुण्य प्रताप का लाभ लिया है, आने वाले समय में जब जब मेवाड़ का नाम लिया जाएगा पाली थाड़ा में मेवाड़वासियों का ये जो कार्यक्रम सफल हुआ है, इस कार्यक्रम को हमेशा यादगार और सुनहरे पल में लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन निक्की पांडे के साथ रितेश पाठक, मारवा राजस्थान, मुंबई।